नवजात मासूम शिशुओं की जीवन रक्षा आश्रय पालना स्थल का लोकार्पण दुर्गा अष्टमी को जिला महिला चिकित्सालय में सदर सांसद रवि किशन के द्वारा किया गया। सांसद ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर पालना केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तथा हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इस आश्रय पालना स्थल का शुरुआत जनपद के जिला अस्पताल से किया गया है। इस आश्रय पालना स्थल में लावारिस बच्चों को पाला जाएगा। जो लोग नवजात शिशु को डस्टबिन, कटीली झाड़ियां, नदी, तालाब, कुएं में फेंक देते हैं, जिससे उस मासूम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस आश्रय पालना स्थल में शिशु का सुरक्षित परित्याग किया जाता है, जिसकी पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। उन्होंने कहा कि आश्रय पालना स्थान में शिशु का सुरक्षित परित्याग करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की पुलिस में FIR दर्ज भी नहीं की जाती है, जिससे पहचान गोपनीय बनी रहे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी शिशु को कहीं पर फेंके नहीं, उसे जिला अस्पताल में बने आश्रय पालना स्थल पर लाकर रख दें। इस अवसर पर प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर NK श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, SIC जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव, KN बर्नवाल, BV सिंह, उमेश पांडे, डॉक्टर कमलेश, अमरनाथ जायसवाल, CB सिंह, जाहिदा अनुभा त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उदयपुर महेश आश्रम एवं मां भगवती विकास संस्थान के संस्थापक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप लोग बैठ सामने बैठ जाए। भाई कैमरा का ये कौन है आगे? हमारी इमरजेंसी में बेल बजना शुरू हो जाएगी। किसी ने बच्चा रख दिया है वहाँ से वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पहली जगह ये उत्तर प्रदेश में पहला बार हो रहा है की उत्तर प्रदेश में पहला पालना स्थल है। कोई माता पिता लोग बच्चे छोड़ देते हैं किसी कारणवश, भगवान जाने, लेकिन जब भी बच्चा छोड़े तो सारे माता पिता कृपया ये पालना है, ये गोरखपुर में ही इसकी शुरुआत हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य सरकार को, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे CMO महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं कि इसकी शुरुआत आश्रय पालना स्थल होगा, जहाँ प्यार दुलार का भविष्य का एक निर्माण होगा। अगर आप अपने आपको आपका बच्चा नहीं चाहिए किसी कारणवश, कृपया आप इस पालने में छोड़ दें और उसके बाद उसका पूरा ख्याल रखना, उसका पूरा ख्याल राज्य सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रखा जाएगा। जी सी एम सर, राइट, बिल्कुल राइट। इसी क्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सांसद महोदय जी को पुष्प भेजे। सांसद महोदय को पुष्प चिकित्सक डॉक्टर जय कुमार जी से सांसद महोदय जी को पुष्प भेजे। सांसद महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए, अपने आशीर्वचनों से यहाँ एकत्रित जनता को संबोधित करें। योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल जी आपका धन्यवाद।
आपकी संस्था का नाम महेश आश्रम से योग गुरु जी आए हैं और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। संस्थापक हैं वहाँ से माँ भगवती विकास राधाम उदयपुर। तो केंद्र सरकार को इन्होंने अप्रोच किया, ये थॉट अपना उन्होंने बताया, ये अद्भुत थॉट, ये बहुत ही शानदार विचार है। पहली बार उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में कुछ महाराज जी के स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि इस विचार को उन्होंने परमिशन दी, अलाउ किया, केंद्र सरकार द्वारा परमिटेड। वी आर स्टार्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर। मैं सीएमओ महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आप इसमें तुरंत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप बहुत इसके लिए बिल्कुल अपनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो शब्द ये कि फेंके नहीं हमें दें, बच्चा फेंके नहीं हमें दें। किसी माता पिता को कभी बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा हो जाता है किसी कारणवश, वो बच्चे को अस्पताल में कचरे में यहाँ पर पीछे फेंक देते हैं या कभी उसकी हत्या भी हो जाती है। जान के अनजान में कहीं फेंक दिया, कोई जानवर खा गया, कीड़ा खा गया, चूहा खा गया, तो बच्चे की मृत्यु होती है और एक जान चली जाती है। कितना दुखद उठाइए और इसका संदेशा विश्व में भी गलत जाता है, मेडिकल में भी गलत जाता है, देश में भी गलत जाता था, लेकिन अब ये रुक जाए। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने सोचा, ये सोच रखी, ये गंभीर सोच आप ही रख सकते हैं। इस नए भारत की सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बच्चा फेंके नहीं हमें। नारी सशक्तिकरण आ चुका है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र और राज्य की सरकार में, अब बेटियों को और सम्मान से देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि नहीं हम के बच्चा ना चाहिए, कुछ हो सकता है, होता रहता है। आप सुनते हैं कि अस्पताल के पीछे बच्चा फेंका गया, प्रीमैच्योर बेबी हो गया, तो कितने लोग 6 महीना में बच्चा हो गया, 7 महीना में, उनके लगातार ना हो अपाइज हुई। अंधविश्वास के साथ बहुत सारी चीजें इंसान सोचता है। तो वो लोग, वो माता पिता खाते जो वो माँ के खातिर जिसने उस बच्चे को पैदा किया कि हमके बच्चा ना चाहिए, हमके लड़का ना चाहिए, हमकी लड़की ना चाहिए, और उसको फेंकने के बजाय कृपया हाथ जोड़कर विनती है, बच्चा फेंके नहीं। पालना बन रहा है गोरखपुर में, इसका आगाज हो गया, शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश में। पहली बार उस बच्चे को लाए, उस कृपया पालने के बाहर रख दे। कहाँ कहाँ हुई कर सेंटर यही पर है सब जगह, कहाँ पर, यहाँ पर हमारे जिला अस्पताल में यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका पहला सेंटर है जिला अस्पताल, जिसको बच्चा नहीं चाहिए, पालने में चुपचाप आए, अपना बच्चा रख दे, चला जाए। ये वचन है हमारा एक सांसद के रूप में अपने केंद्र सरकार मोदी जी और योगी जी के बिहाफ में, डबल इंजन की सरकार के बिहाफ में मैं सांसद के रूप में ये दायित्व लेता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, इस बच्चे का पालन पोषण वैसे ही होगा जैसे एक माता पिता करा। ये हमारा वचन है आपको, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरु जी आए हैं उदयपुर से, ये संस्था चलाते हैं, इनका ये ट्रस्ट है, ये कई सालों से गुरु जी यही कार्य कर रहे हैं, यही पुण्यकार में थे। गुरु जी आए हैं, कैसे इस बच्चे का पालन पोषण होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे क्या होगा, एवरीथिंग सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटोकॉल के द्वारा देखा जाएगा। उसके स्वास्थ्य का ख्याल होगा उस बच्चे का, उसके एजुकेशन से लेके अच्छे भविष्य की और उस बच्चे को लेके जाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल, संस्थापक संचालक महेश आश्रम माँ भगवती विकास संस्थान उदयपुर राजस्थान। आश्रय पालना स्थल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे पैदा होते ही डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं, नदी तालाब में फेंक दिए जाते हैं, या जिन्हें रेलवे स्टेशन बस स्टेशन जैसे असुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें से अधिकतर शिशु या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं भयानक रूप से, या गलत हाथों में पड़कर उन्हें भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों में धकेल दिया जाता है और आने वाले समय वो शिशु राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन बचाने और बनाने के उद्देश्य से आश्रय पालना स्थल की स्थापना राजकीय जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में माननीय जिला कलेक्टर महोदय
के प्रयासों से संभव हो पाई है। संस्था की जगह क्या है? मैं महेश आश्रम से माँ भगत विकास संस्थान उदयपुर राजस्थान से योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल। किस तरह बच्चों की पोर्ट की जाती है? यहाँ पर इस पालना स्थल में कोई भी व्यक्ति जिसके अगर अनचाही संतान पैदा हुई है तो हम उनसे अपील करते हैं, फेंके नहीं, हमें दें, बिना पहचान बताएं पालने में छोड़ जाएं। पालने में छोड़ने के 2 मिनट बाद घंटी बजेगी। इस 2 मिनट के दरमियान वो व्यक्ति उस नवजात को छोड़कर, मासूम को छोड़कर यहाँ से जा सकता है। न तो उसे रोका जाएगा, न उसे पूछा जाएगा, न उसे टोका जाएगा, न उसे पकड़ा जाएगा, न ही उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस 2 मिनट के दरमियान में उन्हें यहाँ से जाना होगा और जैसे ही बेल, हमारे इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं, बच्चा आने के 2 मिनट बाद अपने आप ही राजकीय चिकित्सालय के रिसेप्शन सेंटर पर बेल बजेगी और वहाँ पर हमारे कार्यरत साथी तत्काल ही उस बच्चे को पालना स्थल से प्राप्त कर उसकी मेडिकल और पर्सनल केयर सुनिश्चित करेंगे और बच्चा स्वस्थ पाए जाने पर उसे राजकीय शिशु गृह में भेज दिया जाएगा। बच्चा बड़ा होता तो उसके लिए क्या, बड़े होने पर क्या सुविधा रहेगी? जैसे ही उसे राजकीय शिशु गृह में भेजा जाता है वहाँ पर उसका लालन पालन किया जाता है, तत्पश्चात माननीय बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट द्वारा उस बच्चे को लीगल फ्री डिक्लेयर किया जाता है और कारा की गाइडलाइन के प्रक्रिया पूरी करते हुए उस बच्चे को माननीय न्यायालय द्वारा गोद दिया दे दिया जाता है। इससे उस बच्चे का न जीवन बचता है वरन उसे बहुत ही अच्छी लालन पालन की वजह से एक अच्छी परवरिश प्राप्त होती है और वो आने वाले समय राष्ट्र की संपत्ति बनता है और साथ ही जो निसंतान दंपति है वह उस बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार को पूरा करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पारित किया और मैं गुरु जी यहाँ पर आए, योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल जी माँ भगवती विकास संस्थान द्वारा इन्होंने इसका प्रपोजल रखा था। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी द्वारा और हमारे मेडिकल, हमारी टीम द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको पारित किया गया। इसको जिला अस्पताल में सीएमओ महोदय ने इसको पहले इसका शुरुआत की है। ये है पालना, इसका नाम है पालना, इसका नाम है पहली बात आश्रय पालना स्थल, आश्रय पालना स्थल जहाँ पर बच्चे को देखा जाएगा और इसकी टैगलाइन यही रहेगी, बच्चा फेंके नहीं हमें दें। आप बच्चा फेंके नहीं हमें दें और उसके प्रोटोकॉल्स भी बता दें। आप एक पालना रखा जाएगा जिला अस्पताल में, आप लोग यहाँ गोरखपुर में यहाँ पालना होगा, आप बच्चा रखें, आपको नहीं चाहिए तो आप रख दीजिए वहाँ। 2 मिनट बाद घंटी बजेगी, वो घंटी बजेगी अंदर हमारे कार्यालय में, हमारी जो कर्मचारी हैं तुरंत, जो इससे जुड़े हुए हैं वो तुरंत दौड़ के आएंगे लेने के लिए। 2 मिनट इसलिए 2 मिनट बाद बजेगी कि उस माता पिता को वहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। उनकी अगर उनकी और उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसको पूरा लीगल तरीके से करेंगे तो कोई भी माता पिता डरे नहीं कि हमके क्यों देख ली, हमको कोई देख लेगा, पहचान लेगा, हम पर कानूनी कार्रवाई होगी, हमको पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा नहीं। ये पूरा इसको प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है जिला अस्पताल में। आपको बच्चा नहीं चाहिए दे दीजिए। सरकार, केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी की डबल इंजन की सरकार, हमारी मेडिकल टीम, हेल्थ मिनिस्ट्री इसको संभालेगी। अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से वैसे ही पालन पोषण करेगा, उस बच्ची की मृत्यु होने नहीं देगा। नहीं तो बच्चा अक्सर फेंक देते हैं, कीड़ा खा जाता है, चूहा खा लेता है, ये करता है, प्रीमेच्योर बेबी होता है, लोग छोड़ देते हैं कि भैया 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ चिंताओं से आप मुक्त हो जाएं। आपको बेटी बेटा जो भी आपको नहीं चाहिए कृपया के फेंकिए मत उसको, कृपया बच्चा फेंके ना हमें दें, बच्चा फेंके ना हमें दें। उत्तर प्रदेश की धरती पे पहली बार ऐसी शुरुआत हो रही है, वो भी जिला गोरखपुर से, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, पूज्य महाराज जी, जहाँ पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, इसकी शुरुआत वहाँ से हो रही है। आज मैं सभी को बहुत सारी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्र सरकार को, मोदी जी को, कि ये शुरुआत इतनी भावना से भरी हुई शुरुआत, इतनी भावुकता से भरी हुई शुरुआत हुई, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और अब गुरु जी आए हैं यहाँ पर, योग गुरु ये सिखाएंगे भी कि किस तरह से उसका प्रशिक्षण होगा, किस तरह से बच्चे का लालन पालन पोषण बिगिनिंग की जिम्मेदारियों के साथ हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ाएं। इसको ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, बाकी योग जी का।